037 आज आपको उस स्टेज पर लेके जा रहा हूँ जो छत्तीस जहाँ से हमको वाटर प्रूफ कर लिए और जो हमको भविष्य में समस्याएं ना दे और हमको एक जो हमारा जो विजन है हमने इससे पहले पिक्चर डाली उसी छत्ताक पर है हम जहाँ हमने जोड़ के सिलसिले में आपको जानकारी दी और छत का काम शुरू कराया था। अब हम सबसे पहले लेके चलेंगे उस जोड़ के पास जहाँ हमने उस जोड़ को कुछ दिन खुलवा रहे थे लूज पार्ट्स निकलवा रहे थे और आज उसी जोन पर हम चल रहे हैं। ये देखिए अब जो हमने जोन का जो लेवल था वो निकलवाया थे और निकलवाने का रीजन क्या हुआ कि हमने उसमें सीमेंट और पॉलीमर मिलाकर दोनों भरवाया और आप देख रहे होंगे वो दोनों भरने के बाद क्या होता है कि इसमें क्रैक डेवलप हो रहे हैं। ये जो क्रैक डेवलप हो रहे हैं इस क्रैक डेवलप का रीजन क्या है और विजन क्या है क्योंकि यही एक एक्सपर्ट डॉक्टर का विजन होता है समस्या तक पहुँचना। और क्लाइंट को हम बताएं तो क्लाइंट को कहते हैं तो आप कम फेल है क्योंकि उसको तो बेचारे कोई जानकारी है नहीं है लेकिन हमको मालूम है क्या फेल है और क्या खराब है। हमने इसका जो घोल अंदर जो एब्जॉर्ब कराया है इसके जोन में जो भी मेटेरियल जाना था वहाँ में गया है अंदर ऊपर हमको मालूम था कि ये क्रैक मारेगा क्योंकि सीमेंट का जो बेस होता है वो होता है स्टोन पत्थर को पाउडर फॉर्म में आकर और तैयार होने के बाद स्टोन ही हो जाता है तो ये क्रैक इस कारण आपके सामने देखने को मिल जाए। अब यही सीमेंट और यही केमिकल हमारा ट्रेस पे अप्लाई हुआ है वहाँ क्रैक नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा क्यों बेस जैसा बेस होता है वैसा ही रिजल्ट होता है उस बेस पे हम लेके चले। ये देखिए अब आप यहाँ ये देख रहे पानी भरा हुआ है और यहाँ दो कोट अप्लाई करिए यही केमिकल है जहाँ क्रैक फेंक रहा है क्योंकि यहाँ इसका जो लुक है वो लुक क्या है कि यहाँ जो मेटेरियल लिमिट से ज़्यादा कोई हम करती है जो हमारा हर जगह एप्लीकेशन चेंज हो जाती है। एप्लीकेशन चेंज होने का रीजन क्या होता है वो एक एक्सपर्ट को ही मालूम है क्योंकि उसने 20 साल में क्या अनुभव कमाया है क्योंकि अनुभव एक दिन में नहीं आता। और आप कोई मेटेरियल मार्केट से लाए यूज करा और आपका रिजल्ट फेल हो रहा है और फेल होने का रीजन क्या है कि हमको जानकारी नहीं है क्योंकि हम सीखना हमारा विषय रहता है एक बार सीखना किससे ज्ञान ले रहे हैं किसे रास्ता पूछ रहे हैं ये विषय होती है। अब आप देख रहे हो वाटर प्रूफ हमने करा हुआ है यहाँ जो आप ये देख रहे हो पानी भरा हुआ है तो हम टेस्टिंग चल रही है इसकी ये भी टेस्टिंग पर चल रहा है ये भी टेस्टिंग पर चल रहा है। अब देखो इस साइड पर हम घुमाते हैं जो हमने आपको दिखाई थी पहले जो पिक्चर बनाई थी ये प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं इस साइड पर ये कंपनी के प्रोडक्ट हैं। ये कंपनी जो है दुबई बेस्ड कंपनी है क्योंकि हमारा बेस होता है प्रोडक्ट का रेंट क्योंकि हम कंपनी के नाम से नहीं चलते हैं हम उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी से चलते हैं तो क्वालिटी से हमको रेंट चाहिए होता है ना कि हमको नाम से मतलब। बहुत कंपनियां मार्केट में उनके नाम भी है ऐड भी आते हैं लेकिन हम ऐड वाले व्यक्ति नहीं है क्योंकि हमको ऐड नहीं हमको चाहिए क्वालिटी क्योंकि हमको रेंट चाहिए होता है ना कि हमको नाम चाहिए क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है इनको अप्लाई कराएंगे इस साइड पर उनका हम रेंट देख रहे हैं अच्छा रेंट मिल रहा है हमको। और हमारा काम क्या है कि 20 साल में अनुभव कमाया और ये हमारे पास जो कंपनी हम जो आपको दिखा रहे हैं स्टार पॉलीमर इससे पहले हम पर 8 कंपनी और रह चुकी हैं उनका भी हम काम कर चुके हैं लेकिन परिवर्तन प्रगति का नियम है और परिवर्तन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो आज हम करने जा रहे हैं वो अच्छे के लिए हो सकता है आने वाले समय इससे भी अच्छी कंपनी हमको मिले क्योंकि प्रोडक्ट को अपना एक लैब है जो 21 साल का जो तजुर्बा है वो तजुर्बा क्या कहता है अपने लैब में प्रोडक्ट चेक होता है टेस्ट होता है फेल होता है पास होता है उसके बाद आगे बढ़ता है। मेरी कंपनी कोई नहीं है मेरा काम है साइड पर वर्क कराना। उस वर्क कराने का रीजन क्या होता है जो आप सपने देख रहे हैं एक सील एंड फ्री का जो समस्याएं ना हो सुकून हो घर होता है आनंद की स्थान होता है एक मंदिर भी कहते हैं घर को क्योंकि जब तक मंदिर में सुकून शांति जब तक नहीं मिलेगी वहाँ की जो समस्याएं हमारा का माइंड अपसेट कर देती हैं सीलन आ रही है दीमक आ रही है ये समस्याएं घर की और उसके लिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा ना कि आपने घर में सुंदरता चाह रहे हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे कि एक इंटीरियर डिजाइनर चाहिए उसको ये डिजाइन कर दे और डिजाइन कर दे ऐसा सुंदर बना दे मेरे सपनों का महल बना दे जो मैं इसमें सपनों में खो जाऊँ परंतु उस सपनों में घृणा लगता है और जो 037 का श्राप पहुँचता है उस दिन आपकी आँख खुलती है कि ये सपने कुछ टिकाऊ नहीं है आपके। क्यों कि जब तक हम किसी चीज़ पर बेस पर नहीं जाएंगे तब तक आपके सपने साकार नहीं होंगे। साकार कब होंगे जब जिस समस्याओं से हमको सामना कब करना पड़ता है एक तो जो ज्ञानी और मूर्ख का क्या अंतर होता है ज्ञानी ज्ञान से पहले ही अलर्ट हो जाता है मूर्ख फेल होने के बाद अलर्ट होता है वो जीवन खोने के बाद अलर्ट होता है वो जीवन की स्टार्टिंग से अलर्ट होता है क्योंकि ये जीवन के रीजन और विजन दो ही होती है अलर्ट होना पड़ेगा। अगर आप सुंदर घर चाहती हैं आप चाहते हैं कि हमारे पास ये समस्याएं ना आए क्योंकि मेरा आप तक जान पकड़ी पहुंचाने का बेसक क्या है कि आज विज्ञान हम इस साइड पर काम कर रहे हैं और विज्ञान के माध्यम से हम दुनिया में पहुंच रहे हैं हम चाहते हैं कि आप इन सुविधाओं को हम पहुंचा रहे हैं आप तक जो पिक्चर दिखा रहे हैं आप वहां से अलर्ट हो और उन समस्या से लड़ना स्टार्ट कर दें। अगर आपको उन समस्याओं में कोई दिक्कत आती है कोई प्रॉब्लम आती है मेरी पिक्चरों को आप देख सकते हैं उसमें हर एक का समस्या का समाधान मिलेगा
आप कॉन्टैक्ट नंबर भी आता है उसमें, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट करने में कोई फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्ज नहीं लगता। मेरा विजन एक ही है, आपके सपने, मैं अपने सपने बनाना चाहता हूँ और सीलन और दीमक से लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये लड़ाई मेरी एक विजन है। मैंने 21 साल में क्या कमाया है, वो ये कमाया है कि अपनी संतुष्टि, संतुष्टि किसके लिए, नर सेवा, नारायण सेवा, आपकी सेवा मैं यहीं से करना चाहता हूँ। जय जय श्री राधे।